बिजी हो बेटा? अरे मामा आप क्यों, किसी और का इंतजार कर रहे थे? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, प्लीज आए बैठे। बेटा मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कहिए। देखो इब्राहिम, मैं नहीं चाहती जो कुछ तुमने किया है ऐसा ही कुछ अनुषे भी करे, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अनुषे की जल्दी से शादी करा दूं, ताकि मैं भी इस फर्ज से फारिग हूं ना। मैंने ऐसा क्या किया मामा? मैंने तो सिर्फ अपना शरई हक इस्तेमाल किया है, और मेरे ख्याल से अनुषे को भी इस बात का पूरा हक होना चाहिए। हरगिज़ नहीं, अनुषे के बारे में ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। अनुषे मेरी बेटी है और उसकी शादी का फैसला भी मैं ही करूंगा। तुमने तो बेटा होने का फायदा उठाया ना, अपनी मां को इमोशनल ब्लैकमेल किया, लेकिन अनुषे के मामले में मैं हर किस कमजोर नहीं पड़ूंगी। एनीवेज, ताबिंदा ने अनुषे के लिए एक रिश्ता बताया है। मैंने सोचा है कि तुम्हारे पापा से बात करके किसी दिन उन लोगों को खाने पे बुला लूं, ताकि इस मामले को आगे बढ़ाया जा सके। क्या हुआ, परेशान क्यों है? आंटी भी गुस्से में लग रही थी। हाँ यार, वो अनुषे की शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रही। क्या मतलब? उन्हें लगता है कि कहीं अनुषे भी मेरी तरह अपनी पसंद के किसी लड़के से शादी करने की जिद ना करे, इसलिए वो अपनी पसंद से अनुषे की शादी करवाना चाहती। जबकि मेरा ये मानना है कि अनुषे को अपनी पसंद का पूरा हक हासिल होना चाहिए। कितना इंतजार करूं रेहान, कब से मैं वेट कर रही हूं कि तुम्हारी आपी अब आएंगी, लेकिन वो तो आ ही नहीं रही है। और अगर तुम भाई से बात नहीं कर सकते ना, तो भूल जाओ मुझे। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, वो कॉफी पिए, ठंडी हो रही है। इब्राहिम, अगर अनुषे वाकई में किसी को, मेरा मतलब है अपनी पसंद के लड़के से अगर वो शादी करना चाहेगी, तो आप साथ देंगे उसका? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। यही बात तो मैं मामा को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मामा है कि मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। उसे पूरा हक हासिल है यार अपनी पसंद से शादी करने का। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या ऐसी कोई बात है? वो दरअसल अनुषे रेहान को पसंद करती है। मैंने उन्हें बात करते हुए सुना है, और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हर्ज है। अगर अनुषे रेहान से शादी करना चाहती है, वो आपका फ्रेंड है, आप उसे अच्छे से जानते हैं। मुझे भी अच्छा लड़का लगता है, और अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ये तो उनका हक है कि वो अपनी पसंद से शादी करें। इससे पहले भी मैं उन दोनों के बीच इस बात को महसूस कर चुकी हूँ। काफी हद तक मैं ये बात जानता भी हूँ, लेकिन अगर ये बात इतनी ही सीरियस है तो मेरे ख्याल से मुझे रेहान से बात कर लेनी चाहिए। यही बेहतर रहेगा। वैसे भी वो आपका दोस्त है, तो शायद झिझक में वो बात ही ना कर पाए। Why you are always so right? Have you coffee? Thank you.